नहीं देखा तो क्या देखा। चड्ढा फ्रॉम मुंबई बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कुछ साल पहले मुंबई आ गया था। यहाँ वो अपने रिलेटिव के घर रहता था। अभी वो अच्छे काम की तलाश में ही था जब उसे इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज के बारे में पता चला। उसने मुंबई में ऑडिशन दिया जहाँ हजारों की संख्या में नौजवान आए हुए थे और उसे मुंबई ग्राउंड इवेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ऐसा हुआ कि तीन कदम उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाए, मैंने तीन कदम उनकी तरफ बढ़ाए, दो कदम और आमने सामने फेस टू फेस आई कॉन्टैक्ट, और इतने में जानते हैं क्या हुआ इसके बाद। मोहित चड्ढा एक टैलेंटेड, हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग नौजवान था। स्टेज पर अपनी पहली एंट्री में उसने दिखा दिया कि उसमें स्टार बनने के गुण मौजूद हैं। सबके डिसीजन से मोहित चड्ढा को मुंबई का विनर चुना गया। मोहित चड्ढा। इसके बाद इसका मुकाबला दूसरे सिटीज बेस्ट के साथ मुंबई में होना था, लेकिन मुकाबला चार या पांच लोगों से नहीं था बल्कि 40 लड़कों से था जो अपनी अपनी सिटीज से बेस्ट चुनकर आए थे। लेकिन मोहित ने अपनी एक्टिंग और डांस से सबको इम्प्रेस किया। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खबा खबा। लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, साला आईला उफमा आएगा पोरी आले आले। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। क्या करोगे तुम, क्या करेंगे हम? अपने अपने माँ बाप के अरमान, उनके सपने, अपना करियर, अपनी जिंदगी, सब एक गलती के लिए मिटा देंगे हम? हाँ बोलो। जजेस के पैनल में इंडस्ट्री के काफी अनुभवी लोग मौजूद थे और उसे फाइनल 32 के लिए चुन लिया गया। मोहित चड्ढा मुंबई से। जब इन 32 के बीच फाइनल का मुकाबला शुरू हुआ तो मोहित चड्ढा अपने ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जाता था। उसका सबूत उसने ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन में दिया और डांस में भी। सर प्लीज जाने दो सर। क्या जाने दो, लगी है जोर की लगी है? हाँ सर। सर बहुत जोर से लगी है। आगे लड़कियों को देख रहा था सर। लड़की नहीं सर, ये सुन, ये इम्पोर्टेंट है कि लड़की इम्पोर्टेंट है बता। सर ये इम्पोर्टेंट है सर, गड़बड़ हो जाएगा सर। तो फिर लड़की लेफ्ट मुड़ी, लेफ्ट मुड़ गया, राइट मुड़ी, राइट मुड़ गया। सर लड़की नहीं सर, ये इम्पोर्टेंट है सर, प्लीज सर। तो फिर लड़की के पीछे ऐसे क्यों जा रहा था? 100 की स्पीड में जा रहा था तो कैसे जा रहा था बता? सर बता सर, समझा करिए सर, समझा करिए सर। लाइसेंस है सर? सब दूंगा सर, मेरे साथ घर चलो। पहले लाइसेंस और बाकी बाकी का बाद में दे देना। सर गाड़ी होटल वहां है सर, दो मिनट में आता हूँ सर, प्लीज सर। सर सर समझो करो सर। मैं नहीं समझ सकता यार। सर हो गया सर। जनता की प्रतिनिधि जूरी ने भी उसके काम को सराहा और वो इजीली इन हो गया। जहां फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करते वक्त बाकी लोग नर्वस हो गए थे, वहीं मोहित ने बड़े कन्विंसिंग तरीके से अपने सीन किए। कौन दिलाएगा इंसाफ हमें?
हाँ कौन दिलाएगा? यहाँ जंगल का कानून चलता है, इंसाफ पाने के लिए मुझे भी जानवर बनना पड़ेगा। रोहित इस वक्त तुम्हारे सर पे खून सवार है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी रोहित, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, बस थोड़ा बर्दाश्त। बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, आज तक बर्दाश्त के अलावा किया क्या मैंने? हाँ सर से माँ बाप का साया उठ गया, बर्दाश्त किया मैंने। कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाई थी, बर्दाश्त किया मैंने। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा पायल, जबकि वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं जिन्होंने मुझसे मेरे भाई को छीना है, मैं उनसे उनकी जिंदगी छीन लूंगा। और रोहित मैं कैमरे के सामने वो काफी सहज दिखाई दिया। मोहित जितना एक्टिंग में अच्छा था उतना ही डांस में भी। मेरी ये मस्ती ही मेरे ये नखरे, पागल दीवाने हम बिखरे बिखरे, डरती है क्या मुझको तू चखरे, और मैं बोलूं तुझे क्या? बिंदास गाने पर उसने बिंदास डांस किया और बड़े आराम से इस बार भी इन हो गया। इंडिया बेस्ट, नहीं देखा तो क्या देखा। India's best, नहीं देखा तो क्या देखा। जब लेजेंडरी एक्टर्स को ट्रिब्यूट दिया गया तो उसे अभिनय सम्राट दिलीप साहब के गाने पर परफॉर्म करने का चांस मिला। ऐसे चिकने चेहरे हो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी। सिमरन के साथ उसकी जोड़ी काफी अच्छी लगती थी, दोनों ने सीन भी बहुत अच्छा किया। यार तुम्हें खाने पीने के अलावा कुछ नहीं सोचता? हाँ मैं बेडरूम के बारे में बात कर रहा हूँ। उस बात के लिए तो मैं तुम्हें जितना थैंक्स करूं उतना कम है। सच? हाँ। उस रात जब तुम मेरे लिए फूल लेके आए थे ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ? कोई बात नहीं, शायद मैं ही बुद्धू हूँ, पम्मी के साथ बिताए हुए पल मैं तुम्हें याद करा रहा था। पम्मी? पम्मी कौन है? पम्मी? अरे शादी से 2 महीने पहले मैं पम्मी के साथ ऑफिस टूर पे गया था शिमला। इसी होटल में भी रहे थे हम एक साथ। एक साथ? मैं तो फिर जमीन पर सो रहा था, पर पम्मी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि यू नो व्हाट आई मीन। व्हाट डू यू मीन? अगर तुम्हें पम्मी इतनी पसंद थी तो उसे शादी कर लेते, मुझसे क्यों की? पम्मी से मैंने इसलिए शादी नहीं की डार्लिंग, क्योंकि पम्मी का असली नाम परमिंदर सिंह है और उसने स्वीटी से शादी कर ली और मुझे मिली तुम। यू? अब याद आया उस रात को क्या हुआ? आया। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, देख के छुपती है। दोनों का जो तालमेल जो था वो बहुत अच्छा था, पर मोहित वाज एक्सीलेंट। मुझे नहीं पता मेरा दिन ही अच्छा है आज। आई जस्ट होप आज के दिन आखिरी फाइनल कॉन्टेस्ट हो रहा होगा। बिग ब्रदर्स ने भी उसकी तारीफ की, जावेद साहब भी उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हुए। एक बार फिर दो लोगों की खासतौर से तारीफ करना चाहूंगा, एक मोहित चड्ढा और एक आदिति शर्मा। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मोहित अपनी खुशी को बयां करने में असमर्थ था। उसका फेवरेट सिने स्टार शाहरुख खान था और वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा था। मोहित, नाम तो सुना होगा। नहीं सुना? कोई बात नहीं, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, द किंग खान, शाहरुख खान।
लोग इन्हें सितारा कहना पसंद करते हैं, लेकिन मैं इन्हें सूर्य बुलाता हूँ, क्योंकि जब ये उदय होते हैं तो सारे के सारे सितारे छिप जाते हैं। और क्या कहूँ मैं, इन्होंने तो खुद ही कहा है मैं हूँ ना। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। दिल तो है एक राही जाना, दिल की तुम मंजिल हो। दिल तो है एक कश्ती जाना, जिसका तुम साहिल हो। दिल ना फिर कुछ मांगे जाना, तुम मगर हासिल हो। दिल तो है मेरा तन्हा जाना, आओ तो महफिल हो। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है जैसा ये कमाल क्या कहे। मामा प्लीज, मामा ये अजीब जबरदस्ती आपकी। मामा जब मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी है, तो मतलब मैंने नहीं करनी है। I hate arranged marriages. मामा वो नेहा हो या कोई भी हो, आप प्लीज उसे फोन करिए और बोलिए यहां ना आए। प्लीज इतना सा कर सकती हैं आप? Hi, I'm नेहा। मामा मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। Hi, I'm Vicky. Not bad. जी? जी कुछ नहीं। अभी भी मैं मामा से तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मैंने बता रहा था कि यू नो आई जस्ट लव अरेंज मैरिजेस। ओह, मुझे भी मेरे पापा ने यहाँ भेजा है, आई मीन मिलने के लिए कहा है। वैसे मैंने उनसे कहा कि शादी की एज थोड़ी ना है। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से हम दोनों काफी मैच्योर हैं और दिस इज द परफेक्ट एज। और शादी कोई बुढ़ापे में थोड़ा की जाती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है शादी आपको बोझ नहीं लगती? आई मीन योर करियर तो साइड बाय साइड चलता रहेगा। नो, इट इफेक्ट्स यू सी। देखो मैं ये कहता हूँ कि शादी को एक इंस्पिरेशन की तरह लेना चाहिए, जिसकी वजह से इंसान और डट के और मेहनत करके काम करे। कॉफी देखा, मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हें कॉफी जरूर पसंद होगी। मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं ना। मेरा बॉयफ्रेंड भी यही कहता है। बॉयफ्रेंड? हाँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? दो हैं। शायद हमारे ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते। अब मैं पापा को क्या जवाब दूँ? चल प्यार करेगी, हाँ जी हाँ जी, मेरे साथ चलेगी, ना जी ना जी, हो चल प्यार करेगी, मेरे साथ चलेगी, ना जी ना जी। अरे तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। India's best. नहीं देखा तो क्या देखा। India's best. नहीं देखा तो क्या देखा। जब इंडियाज बेस्ट सिने स्टार्स की खोज का फैसला बिग ब्रदर्स और जूरी के हाथों से निकलकर आम जनता के हाथों में आया, तो उसे भी थोड़ी टेंशन हुई। टेंशन उस वक्त सभी को थी, लेकिन मोहित चड्ढा इन हो गया। दिल चुराना मेरा काम, मोहित चड्ढा है मेरा नाम, 25 साल का नौजवान, मुंबई सिटी की हूं मैं जान, I am India's best। उसके कुछ फैंस ऐसे थे जो हर बार उसका शो देखने स्टूडियो आते थे। तकलीफ में वो नहीं तुम हो सोनिया, और अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो मुझे तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये है तुम्हारी प्रॉब्लम, ये स्लीपिंग टैबलेट्स। जब से तुमने इन्हें लेना शुरू किया है, ना तुम जागती हो ना तुम सोती हो, कुछ भी सुनती हो कुछ भी बोलती हो।
भूत हवा में नहीं इस दवा में बंद है, तो प्लीज इसे इसी में रहने दो। प्लीज करण, इसके बिना मुझे नींद नहीं आ रही। तो ना आए नींद, मैं जागूंगा तुम्हारे साथ, मैं जागूंगा पूरी रात तुम्हारा हाथ अपने हाथों में थाम कर बैठूंगा, हम जी भर के बातें करेंगे। हाँ, तब तक जब तक तुम्हें ये चीख सुनाई देनी बंद ना हो जाए। Because of her, this was a very good scene. Mohit was good up to a point, but then Mohit, when you're convincing someone, you don't need to scream. Mohit का एक टाइम ऐसा भी आया था जब उसको बिग ब्रदर्स ने काफी क्रिटिसाइज किया, हालांकि वो सब उसकी भलाई के लिए ही बोल रहे थे, लेकिन मोहित का दिल जैसे बैठने लगा था। अदिति की वजह से सीन बहुत अच्छा था। लगातार 3-4 एपिसोड तक उसकी परफॉर्मेंस काफी मीडियोकर रही और हर बार उसे बिग ब्रदर्स की फटकार खानी पड़ती थी। यू आर समहाउ लूजिंग योर कंसंट्रेशन, आई डोंट नो व्हाई, कहीं किसी चीज का डर, कुछ लूज करने का डर या तो तुम्हारे मन में पैदा हो रहा है कि जो जितने अच्छे थे उतना थोड़ा सा उसकी डिग्री थोड़ी कम हो रही है, तो अपने आप को थोड़ा सा संयम रखो। दिस इज अ कॉम्पिटिशन इन विच यू हैव टू एवरी टाइम यू हैव टू स्टैंड इरेक्ट, यू नो इट इज, आपको एकदम भाला लेके तैयार रहकर खड़ा रहना पड़ेगा। तो कहीं अपने आप को लूज ना करो, क्योंकि यू हैव बीन गुड, यू हैव बीन परफॉर्मिंग वेल, यू हैव बीन डांसिंग वेल, देयर इज सम फीलिंग दैट यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग बिकॉज डोंट गो डाउन, सम पीपल हैव कम अप, यू आर देयर बिफोर यू आर गोइंग डाउन एंड सम पीपल हैव कम अप अबव यू, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इन नेक्स्ट एपिसोड्स यू शुड रियली वर्क वेरी हार्ड एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट अ लॉट। रोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ रह गया, पिछले 2 घंटों से उसका इंतजार कर रही हूँ, शायद कहीं फंस गया होगा बेचारा। बेचारा बेचारा कुछ नहीं, हमेशा की तरह ना वादा करके भूल गया होगा। जरूर उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। गाड़ी? तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने ही तो की है। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, आज तुम्हारा बर्थडे है, कम से कम आज के दिन तो उसकी गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए थी। मेरा मतलब कम से कम आज के दिन तो उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। कुंदन जी के कुशल निर्देशन में इनके अभिनय में और निखार आया। मुझे रोहन के अलावा दुनिया में कोई भी प्यार नहीं कर सकता। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ। क्या कहा? मतलब मैं अच्छा निशा, मान लो कि वो लड़का रोहन से लाख गुना अच्छा हो, वो तुम्हें कभी वेट ना करे, वो तुम्हें बेहद प्यार करे, मान लो कि वो लड़का Sorry. Stop kidding, Sunil. You are my best friend. Bye. And thanks for this birthday gift. अरे निशा, gift? निशा? Best friend, Mohit. Foot. Ow, ow. हर हफ्ते we keep criticizing Mohit, but I think he has improved this week. There's a. शायद ये सब उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, अपनी कोशिश जारी रखी और दोगुनी मेहनत से अपने सीन और डांस करने लगा। लगन लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी, लगन 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 लगन
उसके बाद उसने फिर कभी बिग ब्रदर्स को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। दिनों दिन उसकी एक्टिंग और डांसिंग में निखार आता गया। जब उसे एक ऐसा कैरेक्टर मिला जैसे कभी आमिर खान ने फिल्म रंगीला में किया था, तो उसने दिखाया कि उसमें एक कमर्शियल फिल्म स्टार बनने के सभी गुण मौजूद हैं। पूजा, अपुन को तेरे साथ सेटिंग करने का। नहीं रे, जम नहीं रहा। जमे कभी किसे? साला इसमें थोड़ा कहाँ खाक दिखेगा। साला यूसुफ को बोला था सबसे बड़ा फूल निकालने का, ये क्या क्या दिया यार? हिटिंग क्या मेरी? ये चुप रे, दूंगा नहीं तो खर्चा पानी यहीं पे। ये चुप बोला ना, टेम्पो बिगड़ता है। रिहर्सल करने दे। पूजा, अपुन को तेरे साथ लव हो गया। रघु, हैला, अपुन का लव में इतना पावर कि फूल भी। पूजा, तू आ गई? क्या करूं रघु, आई एम वेरी सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई ना। तो जितना आप देख रहे हो उनका खुद का इम्प्रोवाइजेशन था। वो बोलता है मैं रुकूंगा, तू बोलना, तू चलना, मैं बोलूंगा, मैं इधर घूमूंगा, ऐसा करना। तो इट वाज मोर दे कोऑर्डिनेटेड ईच अदर। देख पूजा, अपुन तेरे को अभी बोले ना, ये राजीव के साथ तेरा घूमना फिरना अपने को ज्यादा पसंद भी नहीं है, बोले ला अपन तेरे को। पर रघु, राजीव इज माय बेस्ट फ्रेंड, और तुम्हें पता है जब हम दोनों इकट्ठे परफॉर्म करते हैं और जब डांस पार्टीज में जाते हैं, हर कपल इज द बेस्ट कपल। चप्पल से मारेगा मैं उसको, समझी क्या? ये पार्टी बीटी अपने को पसंद नहीं है, तेज देर तक चलता है, इससे ज्यादा नहीं करने का बोलने लगा पुना। पर रघु, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, राजीव बहुत अच्छा लड़का है, उसने तो मुझे इस बार ना डायमंड का नेकलेस लाने का भी वादा किया है। हैला, हीरो का नेकलेस? डेफिनेटली लोचा, जरूर इसमें भी उसका कोई ना कोई गेम प्लान है। अपुन बोले ला लोचा उससे बच के रहने का उससे। रघु, तुम्हें राजीव से जलन होती है ना? जलन? अपुन का क्यों जलेगा? जलन तो होती है। अरे बोले ना, अपने को क्या है, अपन को जलेगा उसे? जलन तो इसलिए होती है कि राजीव और मैं इकट्ठे घूमने जो जाते हैं। तो क्या, अपन दोनों भी तो साथ घूमने जाते हैं, लेकिन अगर अपन दोनों साथ घूमने जाते हैं तो वो कहीं को तेरे साथ घूमने जाता है? रघु, राजीव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हैला, बात अभी लेने देने तक आ गए, तेरे को बोला ना, अभी अपन तेरे को फाइनल बोलता है, नहीं बात करने का उससे। रघु, तुम कुछ नहीं समझोगे, कुछ नहीं। ए पूजा सुन तो, इंडियाज बेस्ट, नहीं देखा तो क्या देखा। India's best. नहीं देखा तो क्या देखा। उसको सिर्फ डर था तो राजकोट के भौमिक संपत्ति से। शुरू से ही लोग इन दोनों को फाइनल में देखना चाहते थे। जब ग्रुप ए में सिर्फ ये दोनों बचे तो काफी टेंशन थी। टेंशन यही है कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा। डिसाइड तो कुछ नहीं किया, पर प्रिपेयर्ड हूँ कुछ भी हो जाए स्टेज पर। सर, मैं ये दिल से प्रेफर करूंगा, और एकदम दिल से जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं ये प्रेफर करूंगा कि भौमिक घर चला जाए। दोस्ती है और बैक स्टेज। हालांकि तब तक दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और आपस में काफी मजाक भी किया करते थे। गुस्ताखियां हैं, बेताबियां हैं, छाई है मदहोशियां। कुर्बान है जाने जा, आवारा अरमान है ये दिल का ऐलान है, जा तुझ पे कुर्बान है जाने जा।
फैसले की वो घड़ी आ गई थी जिसमें मोहित और भौमिक में से एक को आगे जाना था। दोनों टेंस थे। रिजल्ट से पहले मोहित को घर जाने का मौका मिला दिल्ली, जहां इसका जोरदार स्वागत हुआ। आइए मैं आपको अपने स्कूल लेके चलता हूँ। ये मेरी टीचर है, इन्होंने स्कूल में मुझे मशीन रन सिखाई थी। मैम समथिंग यू वांटेड